हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के लिए ये वीडियो होने वाला है, यानी उत्तराखंड चयन आयोग के जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकली हुई हैं, इसके लिए जो साइंस और इसमें स्पेशली कृषि पूछा जाना है तो, और उसमें सिलेबस भी दे दिया है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन सेट्स 500 क्वेश्चन में इसमें आपको कंप्लीट कराऊंगा। और सभी सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसका यानी रिटेन में इसका PDF, तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप उसको क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, तो यह है पारा। कौन सी धातु है? पारा। नेक्स्ट है नंबर दो, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, यानी देखिए धातु पूछी जाएगी तो ये तो पारा होती है, और अगर अधातु पूछी जाती है तो ये कौन सी है? ब्रोमीन। यानी धातु पारा और अधातु ब्रोमीन। नेक्स्ट है नंबर तीन, दही तथा मक्खन किसके उदाहरण है, तो ये है जेल के। नंबर चार, कोलाइडी के कणों का आकार कितना होता है, यानी जो कोलाइडी बिलियन होता है, तो 10^-9 नैनोमीटर से 10^-6 नैनोमीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको जैसे कोलाइडी बिलियन को, जेल क्या होता है, धातु अधातु, सबको अगर आप डीपली यानी टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ना चाहते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि मैं वन लाइनर लेकर आऊँगा आपके लिए, तो आपको कुक्कू FM पर जाना होगा, यानी प्ले स्टोर से आपको कुक्कू FM डाउनलोड कर लीजिए। कुक्कू FM डाउनलोड करने के बाद आपको अपना यही चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स कुक्कू FM पर मिल जाएगा। वहाँ पर मैं सिर्फ ऑडियो अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको पूरा साइंस का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, और सिलेबस वहाँ पर चल भी रहा है, तो वहाँ पर जाकर ऑडियो सुनना ना भूलें। नंबर फाइव है, कौन सा विलयन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो कौन सा करता है? कोलाइड। तो देखिए टिंडल प्रभाव भी मैं वहां पर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। नंबर छः, एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ये होता है Al3 और Cl3। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर सात, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के बीच का अनुपात कितना होता है, तो कितना होता है? 1:8, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का 2 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, तो एक 2 से कट जाएंगे, तो 1:8 कितना आता है यहाँ पर? 8 आता है। नंबर आठ, जो नंबर आठ प्रश्न है ये क्या है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितना अनुपात होता है, तो देखिए यहाँ पर जो पूछी गई है परमाणुओं के बीच पूछा गया है, तो जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु है तो 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? सिर्फ 1 होता है, तो 2:1। नंबर नाइन है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तो ये होता है 10.023 × 10²³। नेक्स्ट है नंबर टेन, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 16 ग्राम। कितना? 16। ऐसे ही नंबर 11, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, तो ये होता है 2। कितना? 2 ग्राम। देखिए आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आपको पता हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। तो इससे अगर आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1:8। तो यहाँ पर भार में पूछे या द्रव्यमान में पूछे तो 1:8, और अगर परमाणु में पूछता है तो 2:1। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जल क्या होता है? H2O का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? देखिए अब जल H2O से बनता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 और प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16, तो यह हो गया 18। कितना हो गया? 18। नंबर है 13, कैथोड किरणें किससे बनती हैं, तो ये बनती हैं इलेक्ट्रॉन से। नंबर 14, धनात्मक किरणों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है कैनाल किरणें। नेक्स्ट है नंबर 15, एनोड किरणें किससे बनती हैं, तो ये धनावेशित कणों यानी प्रोटॉन से। नंबर 16, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थापन को क्या कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17, किसी परमाणु में द्रव्यमान निर्धारित करने वाले कण कौन से हैं, तो यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन से थे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है नंबर 18, वेग कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है। देखिए सदिश अदिश पूरा मैंने आपको डिटेल में सब कुछ वहां पर कराया हुआ है। नंबर 19, जी का मान कितना होता है, तो ये कैपिटल जी आपको ध्यान रखना है, तो 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नंबर 20, जी यानी ये स्मॉल जी है, इसका मान कितना होता है, तो 9.8 × 9.8, और इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मात्रक भी एक नंबर में ये
पूछ लेता है, और मात्रा को पूरी सीरीज भी मैं वहाँ पर कंप्लीट करा चुका हूँ। कहाँ पर? कुकू एफएम पर। तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम, कहाँ से? प्ले स्टोर से आपको ये मिल जाएगा, और वहाँ पर हमारा चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स इसी नाम से आपको मिल जाएगा। 10K+ वहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप भी फैमिली का हिस्सा बनिए। और वहाँ पर मैं डेली आपको 1 से 2 एपिसोड प्रोवाइड करवाता हूँ सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म में। जैसे आप सॉन्ग्स इन्जॉय करते हैं, वैसे ही आप सॉन्ग की तरह लिसन करते करते आसानी से पढ़ाई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं इसमें यानी लिखा हुआ पर आप कॉपी करना है इनको क्वेश्चंस को, तो मैं लिंक नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप इनको कॉपी कर लेना। थैंक यू फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड।